सिंपल कुकिंग से मैं आपके होस्ट ओल्डी गोल्डी बोल रही हूँ। आज मैं आपको एक सिंपल रेसिपी बताने वाली हूँ। चावल, मेथी अभी मिलती है तो मेथी हम लाते हैं घर में, और टमाटर, चावल, मेथी, टमाटर और अरहर की दाल, बस ये तीन चार चीज़ों से ही हम कुछ रेसिपी बनाने वाले। तो चलिए किचन में। हमारा आज का मेनू जो है वो है मेथी मुठिया चावल कढ़ी और टमाटो चटका। तो चलिए फिर किचन में हम अभी देखते हैं। मुठे बनाने के लिए मैंने अरहर की दाल भिगाई थी और एक कप अरहर की दाल और एक कप आधा कप चने की दाल भिगा कर उसको ऐसे सूखा पीस लिया है। तो पहले हमने ये मूठे अभी बना लिए हैं। तो अभी देखिए देखिए हमारे मूठे अच्छे से बनकर तैयार हो गए। आज की हमारी रेसिपी मैंने आपको बताई है कि मेथी के मूठे और चावल, उसके साथ हम टमाटर का चटका बनाने वाले हैं। तो मैंने ये टमाटर आधे आधे काट लिए थे और ये पैन में मैंने अच्छे से पका लिए हैं। इसमें लहसुन, जीरा, थोड़ा सा तेल डालकर मैंने पका लिए हैं। अब मुझे इसे पीसना है तो मैं इसे ठंडा करने को रख दे रही हूँ। एक बाजू मैंने चावल पकाने को रखा था। चावल को तड़का देकर मैंने ये देखिए मैं चावल आपको दिखाती हूँ। ये चावल को मैंने सिर्फ जीरा, हिंग, हल्दी तड़का देकर ये चावल को मैंने अच्छे से पानी में डाला और आधे अधूरे चावल पका लिए हैं। अब क्या है, इसी चावल में हम ये जो हमारे मेथी के मुठे मैंने बनाए हैं, जो मैंने आपको दाल दिखाई थी, उस दाल में मैंने मेथी डाली है, लाल मिर्ची, हल्दी, हींग और नमक, बस इतना डालकर मैंने ये मेथी के मुठे अभी बना लिए। ये देखिए ये इतना टाइट मुठा बनता है। तो मेथी के मुठे बना लिए हैं और अब ये चावल देखिए आधा पक गया है, पूरा पकने का है। तो जैसे ही थोड़ा सा, जैसे ये 40% पक गया है, थोड़ा सा और पकने का है, उसे हम ढक्कन लगा देंगे और थोड़ा सा चावल हम पका लेंगे। कढ़ी के लिए मैंने छाछ में बेसन मिला लिया था और नमक डाल दिया था। बेसन और नमक डालकर मैंने तड़का पैन में कढ़ी को अभी तड़का दिया है। तो तड़का मैं आपको सामने, आपके सामने बता दूँ। कढ़ी को मैं सिर्फ राई, कड़ी पत्ता और हींग का तड़का देने वाली हूँ, बस इतना ही। और मैंने आपको ये बताया है कि टमाटो खट्टे नहीं रहते हैं। तो ये देखिए ये लाल मिर्ची मैंने भिगाई थी, लाल मिर्ची भिगाई है, उसमें थोड़ी सी इमली डाल दी है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो टमाटर मैंने पैन में पकाए हैं, इस टमाटर में ही मैं ये डाल देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी और फिर हम इसे मिक्सर में पीस लें। तो हमारा टमाटर का चटका भी तैयार हो जाएगा, हमारे मूठे भी तैयार है। अब हम कढ़ी को सिर्फ तड़का देंगे। कढ़ी को तड़का देने के लिए तेल मैंने गरम कर लिया है। मैं इसमें तेल में थोड़ी राई डाल रही हूँ, मेरी राई फूट गई है
और मैंने थोड़ा हींग डाला है और बस। और अब इसमें ये देखिए ये कढ़ी पत्ता मैंने डाल दिया। अब ये मैं कढ़ी पे तड़का दे रही हूँ, कढ़ी पे तड़का दे दिया है, मेरी कढ़ी भी रेडी हो गई है। अब कढ़ी को मैं सिर्फ एक उबाल लेके आऊँगी। देखिए अब कढ़ी में मैंने बेसन में छाछ में थोड़ा सा बेसन डाला, नमक डाला, कढ़ी का मसाला यानी एक हरी मिर्च, एक लहसुन की कली, आधा चम्मच जीरा और एक चम्मच कटा हुआ हरा धनिया पीस कर मैंने कढ़ी में डाल दिया। तो कढ़ी को मैंने अलग से तड़का नहीं दिया। अब देखिए ये चावल हमारा 75% पक गया है। अब इस चावल पे ही हम ये मूठे रखेंगे और ये मूठे हम चावल पे ही पकाते हैं, इसीलिए इसे मेथी मुठिया का चावल कहा जाता है। अब हमें क्या करना है, अब चावल में हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 चम्मच पानी मैंने डाला। अब इसकी भाप आ रही है तो इस भाप पर मैं ये ढक्कन रख रही हूँ और ढक्कन पर मैं अच्छे से पानी डाल देती हूँ। अब हमें इसमें गर्म पानी ही डालना है, तो ये पानी ऊपर का गर्म हो जाएगा तो मैं बराबर से उसको चावल में डाल दूंगी। अब हमने जो हमें जो टमाटर का चटका बनाना है उसे मैं मिक्सर में निकाल देती हूँ। इसमें मैंने नमक भी डाला है तो अभी हमें अलग से नमक डालने की जरूरत नहीं। इसमें शक्कर या गुड़ बिल्कुल डाला नहीं जाता है, ये चटका जो है ये बहुत तीखा और एकदम खट्टा रहता है, कढ़ी हमारी ज़्यादा खट्टी नहीं रहती है। बस उसके लिए ही हमें उसमें इमली और ये जो मैंने आपको बताया लाल मिर्च, इमली, लाल मिर्च और लहसुन ये मैंने डाला और उसमें मैंने जीरा भी डाल दिया है। तो अब मैं उसको पीस के लेके आती हूँ और फिर आपको मैं ये चावल भी बताऊंगी और कढ़ी भी मेरी अब उबल गई है तो मैं आपको कढ़ी बता देती हूँ। कढ़ी ऊपर आ गई है उबल कर, तो देखिए हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। तो अब मैं वो जो चटनी है वो पीस कर लेके आती हूँ, तब तक मेरे चावल यहाँ पक जाएंगे। अब हमारा ये जो टमाटो का चटका है ये तैयार हो गया है। अब इस टमाटो चटका पर हम थोड़ा सा तेल गरम करके डालेंगे ताकि ये टिक जाए। बस टिकने के लिए मैं इसके ऊपर तेल गरम करके डाल रही हूँ। तड़का पैन मेरा गरम हो गया है, अब उसमें मैं थोड़ा तेल डालती हूँ और मैं थोड़ा सा हींग डालूंगी क्योंकि ये चटके को अच्छी उससे टेस्ट आ जाएगी। ये हींग मैं इसमें तलने को डाल दे रही हूँ और फिर हींग अच्छा सा तल गया तो फिर हम इसमें डाल देंगे। देखिए ये हींग अच्छे से तल गया है, ये देखिए। अब मैं इस चटके के ऊपर ये हींग को तेल को मैं डाल रही हूँ। अब हमारा चटका भी रेडी हो गया। अब हम इसे साइड में रख देंगे और अभी हम मूठा और चावल देखेंगे। देखिए हमारा ये चावल और मूठा, चावल भी अच्छे से खिला खिला पक गया है और ये मूठा भी हमारा अच्छे से पक गया है।
तो अभी हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेके आते हैं और उस प्लेट में हम हमारा खाना सजाएंगे। सबसे पहले मैं ये थोड़ा चावल प्लेट में निकाल लेती हूँ, मुट्ठे में एक साइड में निकालूंगी। ये पूरे चावल मैंने कढ़ाई में से निकाल लिए हैं। चावल एकदम खिला खिला ही हो ना। आप कोई भी चावल लो, आपके घर में का पुराना या फिर जो भी है, उसमें पहले उसे पका लीजिए 80% और बाद में उसके ऊपर मुट्ठे रखिए। तो ये देखिए, हमारा मेथी का मुट्ठा और चावल अभी आप देख पा रहे हो। ये देखिए मेथी का मुट्ठा और ये चावल, और चावल पर हम थोड़ा सा ये गीला नारियल डालेंगे। खाते समय भी हम लोग लेते हैं थोड़ा सा गीला नारियल, हम चावल पर लेते हैं। ये थोड़ा सा हरा धनिया चावल पर मैं डाल रही हूँ, और मैं अब इस बोल में कढ़ी लेकर आती हूँ। ये कढ़ी हमने रख दी है, कढ़ी के ऊपर भी हम थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। और अब मैं ये टमाटो चटका जो है वो मैं यहाँ रख रही हूँ। ये देखिए ये टमाटो चटका। तो अब मेरी प्लेट सज गई है। देखिए टमाटो चटका, मेथी का मुट्ठा, कढ़ी और ये हमारा खिला खिला चावल। हमारा खाना तैयार है। अब मैं आपको ये जो मुट्ठा है ये थोड़ा छोटा, ये बड़ा मैं पकड़ नहीं सकती हूँ हाथ में, तो मैं इसे थोड़ा काट कर आपको दिखाती हूँ। अंदर से ये पूरा पक गया है। देखिए ये मेथी का मुट्ठा। तो अभी हमने आज क्या खाना बनाया, मेथी का मुठिया राइस, कढ़ी और टमाटो चटका। तो देखिए हमारा खाना बन गया। बहुत खूबसूरत लगता, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और घर में भी देखिए घर के सामान से ही ये चीज़ें सब बनी है, और पूरे डाइट है। 20% हमारा कार्ब इसमें गया। ये देखिए ये फाइबर है, ये फुल प्रोटीन है, ये फाइबर और बाकी मिनरल्स है, और कढ़ी तो प्रोबायोटिक है। तो अभी हमने बहुत अच्छा खाना बना लिया है। अगर आपको मेरी ये घर की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर जरूर कीजिए। और ये पूरा खाना जैसे आपकी दाल पीस कर तैयार हो, मेथी काट कर तैयार हो, जैसे तैयारी के लिए पहले आधा घंटा लगता है और बाद में 15-20 मिनट में पूरा खाना पक जाता है। मेथी के मुट्ठे हमेशा चावल पर ही पकाए जाते हैं। आप उसको कुकर में या फिर वो प्रेशर इसमें इडली के कुकर में आप उसको भापोगे तो ये खिले खिले नहीं बनते हैं, ये ऐसे भाप कर कड़क हो जाते। इसमें मुट्ठे को चावल पर हाथ से बारीक करके डालते हैं और फिर उसके ऊपर कढ़ी डालकर खाते हैं। इसे हमारा मेथी का मुट्ठा, मुट्ठे का राइस, कढ़ी और टमाटर की चटनी है। तो मैंने तो बनाई है टमाटर का चटका, हम लोग मराठी में चटका बोलते हैं, तो मैं चटका ही बोल रही हूँ। तो अभी आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर जरूर कीजिए। और मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए, और आपकी उल्टी गुल्टी को अच्छी अच्छी कॉमेंट्स जरूर भेजिए। ये जो मुठ्ठे बनाते हैं, तो मुठ्ठे के लिए मैंने पहले ही आपको बताया
एक कप मैंने अरहर की दाल ली थी और आधा कप मैंने चने की दाल 2 घंटा पहले भिगा कर ली थी, और पानी में से पानी बिल्कुल उसमें से निकाल कर उसको टाइट मैंने भिगा पीस लिया था, वो भी मैंने आपको बताया। फिर मेथी काट कर डाली और उसमें कुछ भी नहीं है, नमक, मिर्ची, हींग, बस मुट्ठे में मैंने कुछ भी नहीं डाला, और हल्दी, और मुट्ठे मैंने आपके सामने ही चावल पर पका लिए। चावल आपको बनाना आता है, और कड़ी में मैंने जो आपको बताया कि कड़ी में मैंने एक हरी मिर्ची, 2 लहसुन की कली और धनिया हरा और जीरा पीस कर डाल दिया, और छाछ को बेसन लगाकर उसमें ये मसाला डाला और आपके सामने तड़का दे दिया और उसको उबाल लिया। तो धन्यवाद।